नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आरडीएस मारियन यूट्यूब चैनल को। तो गाइस मैं हूं अभी अशोकगंज चौक पर और मैं यहां से चलूंगा सीधे जुनिया तक का ब्लॉगिंग करूंगा और वहां तक का दिखाऊंगा कि कितना कुछ खास हाईवे हो गया है। फ्रंट से हाईवे आप देख रहे हैं मेरे बैक में और उधर देख रहे हैं कि जो कि लाइट भी जल रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं लाइट भी जल रहा है और इधर की जो साइड में है इधर अभी लाइट नहीं जल रहा। अशोकगंज से जो उधर की है उधर लाइट जल रहा बट अभी इधर की तरफ लाइट नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो डिवाइडर बना पेड़ लग गया, लाइटिंग भी लग गया बट अभी देखा जाए तो जो ग्रिल लग रहा है दोनों हाईवे जो बना है हाईवे के बीच में जो डिवाइडर बना है देख सकते हैं और उसमें ग्रिल भी लग गया है। तो देख सकते हैं ग्रिल भी लग रहा है और तो हम पूरा ब्लॉगिंग करेंगे और अच्छे से आप लोग को पूरा यहां से जुनिया तक का नज़ारा दिखाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना खास हो गया है। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आगे और आपको अच्छे से ब्लॉगिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं लाइट भी शुरू हो गया जलना और इधर से अशोकगंज से जो है वो जल रहा है, बाकी सब अभी इधर नहीं जल रहा है। तो चलते हैं आगे और वीडियो में बने। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम लोग का मंजिल है मेडिकल वाले रोज, तो हम लोग चलेंगे। और भाई साहब, आप लोग को बता दे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद इस रोड का वीडियो बना रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की तरफ का। ये है अभी अशोकगंज। तो गाइस देख सकते हैं अशोकगंज की तरफ की लाइट उड़ पूरा लग गई है और लाइट भी जल रहा है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, इधर की जो डिवाइडर बना हुआ है बीच में लाइटिंग भी और देख रहे हैं फ्रेंड्स ग्रिल भी लग गया है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा हो गया फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी अच्छा बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स ग्रिल बनाया गया है और लग गया तो इससे बहुत ही बेटर ये हाईवे हो जा रहा है। अभी तो मान लीजिए ग्रिल बंद करके इसमें लग रहा है, हो सकता है कि इसमें अभी फूल भी अंदर लगे तो और काफ़ी भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइस। फाइनली देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और हम लोग चल रहे हैं। मैं इस हाईवे का ब्लॉगिंग बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस हाईवे पर। और मैं सीधे अशोकगंज से मेडिकल कॉलेज तक का ब्लॉगिंग करूंगा और वहां तक पूरे अच्छे से कवर करूंगा और पूरा नज़ारा आप लोग को दिखाऊंगा कि कितना कुछ खास से अपना गोरखपुर शहर हो रहा है और क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं तो आया तो देखा इस ग्रिल का, तो सोचा हूँ कि इस ग्रिल का भी अपडेट आप लोग को दे दिया जाए कि इस हाईवे के जो बीच में पेड़ लगे हैं दोनों साइड में ग्रिल भी लग रहा है और इसी के बीच में लाइट भी लग गया है। और गाइस जो लाइट देख रहे हैं आप ना, ये लाइट लग चुका है गुलहरिया थाना तक, वहाँ तक का ये लाइट लग चुका है। और अभी भी देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर ग्रिलें रखी हुई हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, खुदैया हो रहा है, उसके बाद वहाँ एक ग्रिल लग रहा है पूरे अच्छी तरह से ढला करके उसमें बैठाया जा रहा है और खूब बहुत ही अच्छी तरह से जाम किया जा रहा है। और गाइस राइट और लेफ्ट बीच में तो अभी तो हम बात कर रहे हैं ग्रिल लगा है बट अभी भी ना फ्रेंड्स हाईवे की जो लेफ्ट की तरफ है नाली आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ, इधर भी ग्रिल लग रहा है। आगे मैं मेडिकल की तरफ चलूँगा वहाँ पर दिखाऊँगा कि लेफ्ट की तरफ भी ग्रिल लग रहा है और राइट की तरफ भी ग्रिल लग रहा है, दोनों साइड ग्रिल लग रहा है और बीच में तो लग ही रहा है। और जब ग्रिल लग जाएगा तो गाइस उसमें अच्छी तरह से घास उगाया जाएगा, फूल पत्ती लगाया जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और चौराहे चौराहे पर हो सकता है कि फाउंटेन बैठाया जाए और काफ़ी अच्छा तरह से जहाँ पर चौकी हो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फाउंटेन बैठाया जाए और काफ़ी अच्छा लगे। तो गाइस बस आप लोग से कुछ नहीं चाहते हैं, बस एक छोटा सा बस लाइक चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें इस भाई पर। भाई काफ़ी दिनों के बाद वीडियो ला रहा है तो ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग फिर से रेगुलर के लिए अपडेट हो जाएं और रेगुलर वीडियो देखते रहें। मैं आप लोग के लिए अब कोशिश करूंगा कि हमेशा हमेशा वीडियो लाता रहूँ। मैं गैप बीच में कर दिया हूँ इसके लिए सॉरी बट मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए लाता रहूं हमेशा और आप लोग देखें और मज़ा ले इस शहर की। देख सकते हैं राइट में भी बिल्डिंगें घरें बन रही हैं जो हमेशा दुकान शॉप के लिए ओपन होगी, जो भी इस साइड जितनी भी मकान बन रहे हैं वो सब शॉप के ही काम आएगा। तो ऐसे में गाइस देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और हम लोग चलेंगे मेडिकल की तरफ। फ्रेंड्स हम लोग आए थे एक मोबाइल परचेस करने, ओलेक्स से हम लोग मोबाइल परचेस करने आए थे तो देखा हूँ कि कुछ इधर
बदलाव भी हो गया है, तो सोचा हूँ कि इसका अपडेट भी आप लोग को दे दिया जाए। बट हम लोग जो मोबाइल परचेस करने आए थे, वो भाई साहब अपना मोबाइल सेल कर दिए किसी और को, और इसीलिए फिर हम लोगों को रिटर्न जाना पड़ रहा है घर की तरफ। तो गुलारिया से आउट यानी अंदर है हम लोग का घर, बट हम गुलारिया तक नहीं ब्लॉगिंग करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मेडिकल कॉलेज तक का ब्लॉगिंग करें, और उससे आगे का भी कोशिश करेंगे कि नज़ारा दिखाएं आप लोग का कि क्या कुछ खास हो गया। इधर है बी बाज़ार और आगे हम चलते हैं। फ्रेंड्स से जो देख रहे हैं, जा रहा है गाड़ी, इसी से ढला करके गिर रहा है, जो ग्रिल लग रहा है उसमें मसाला वसाला बन करके इसी से लग रहा है। फाइनली हम लोग आगे की तरफ, और पेड़ भी फ्रेंड ना एकदम सरैया तक लग गया है, सरैया से भी आगे निकल गया है पेड़ और लग गया रहा है। धीरे धीरे अगर जो गुलहरिया चौराहे तक लग जाता है तो और अच्छा रहेगा, बट अभी देखते हैं कि कहाँ तक लगेगा। और लाइट भी गुलहरिया थाना तक लग चुका है, ऐसे में बहुत ही अच्छी बात है कि लाइट भी लग गया और पेड़ भी लग गया। अब रह गया तो इस ग्रिल की, अब ग्रिल भी धीरे धीरे लग जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और धीरे धीरे ये गोरखपुर सिटी डेवलप कर रहा है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत ये हाईवे। और हाँ फ्रेंड्स, इस हाईवे पे ना सफाई की हमें बहुत ही अच्छी नज़ारा देखने को मिला कि इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा इस बार सफाई वफाई हुआ था। इसका रीज़न ये था कि योगी जी आए थे, इसकी वजह से हाईवे पे सफाई का विशेष ध्यान दिया गया था। मैं आ ही रहा था तभी देखा हूँ कि इधर की हाईवे जो है काफ़ी साफ सुथरा हो गई थी, तो ऐसे में हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इधर थोड़ा सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी साफ सफाई इस गोरखपुर सिटी में नहीं उतना है जितना होना चाहिए। फिर भी जितना भी है, धीरे धीरे आखिर कोई भी काम होता है तो धीरे धीरे ही होता है, तो ऐसे में भी आने वाले समय में भी ये एकदम साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और वैसे भी अभी तो दे भी रहे हैं हमारे योगी सरकार। तो हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ और देख रहे हैं नज़ारे, इन नज़ारे और काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। लाइटिंग तो अभी इधर नहीं चल रहा है, बट हम जब थे असुरन ही थे तो वहाँ पर थे, तो उससे थोड़ा सा आगे की तरफ मैं बैक में आया, तो असुरन से बैक आया तो उधर देखा कि लाइटें जल रही थी, कुछ जिधर ग्रिल लग रहा था उधर की तरफ लाइट जल रही थी, तो वाइट में जल रहा था। तो ऐसे में बहुत ही खूबसूरत बात है, एक और बहुत ही अच्छी बात है कि लाइटें भी जब जल जाएगी तो मैं एक नाइट का ब्लॉगिंग आपको लिए बनाऊंगा, और बहुत ही अच्छी तरह से बनाऊंगा कि आप लोग को एकदम नज़ारा दिखाएं नाइट में कि कैसा ये नज़ारा दिख रहा है और कैसा है आप लोगों को लगेगा। और फ्रेंड्स ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, धूप भी हुआ है बट बाइक पे चल रहे हैं तो ठंडा लग रहा, स्वेटर ना पहने हैं, सोचे कभी गए हैं तुरंत चले आएंगे बट लेट हो गया है जिसके वजह से ठंड लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहुँचे और आप लोगों के लिए आपका जो मंजिल है मेडिकल कॉलेज वहाँ तक का नज़ारा। इधर है गोविंद पैलेस, अभी तो ये सब बंद रहेगा क्योंकि अब तो चल गया है खरवास, तो इसकी वजह से बंद रहेगा और सीधे अब खिचड़ी के बाद ही ये ओपन होगा। तो फाइनली इधर मेरा फ्रेंड्स कुछ लेने गया था बट उतना अच्छा था नहीं, और इस जगह पे भी उतना अच्छा मिलेगा नहीं भाई फ्रेंड्स, इसकी वजह से इसने लिया भी नहीं, हमने खुद मना कर दिया कि मत लो अच्छा नहीं है, और फिर कभी लिया जाएगा किसी और जगह पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं, और इधर हमारे भाई साहब बोल रहे हैं गजब गजब, अच्छी बात है। तो चलते हैं आगे और देखिए नज़ारा ही नज़ारा है, मेडिकल कॉलेज का नज़ारा है। इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर भी लाइटिंग लग गई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इधर एम्बुलेंस तो रहना ज़रूरी है क्योंकि इधर की कंडीशन ही कुछ ऐसा रहता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा नज़ारा, और शाम भी धीरे धीरे हो रहा है जिसकी वजह से ठंडा लग रहा है हमको। तो चलते हैं आगे, इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ इंजॉय करते रहिए एकदम अच्छे तरह से, बस आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करवा दीजिए, और जिससे मैं बहुत ही खुश होऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जल्द से जल्द फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म इंटरनेट और इंटरव्यू के साथ, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।